सुल्तानपुर में 11 मई को मतदान होना है। हर दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, कहा भ्रष्टाचारी आज किस मुंह से शिष्टाचार की बात करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी पर मीडिया से बात करते हुए अमेठी के कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री आशीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, इनका हर तरीके से चरित्र, आचरण और व्यक्तित्व तीन का तीनों जनता के सामने बड़ा स्पष्ट हो गया है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाले दल और उनके प्रत्याशी आम जनता के सामने है। आशीष शुक्ला ने आगे कहा कि पूर्व का इतिहास उठाकर अगर मतदान से पहले यहाँ की जनता उठाकर अगर सोचेगी तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र मिला है, आज वो शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो किस मुंह से कर रहे हैं, ये उनको उनके गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मतदाताओं से निवेदन है, 5 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा, आज एक संघर्षशील नौजवान उनके बीच में है, उनको मौका दें। आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल 10 साल से, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहमान 5 वर्ष तक नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर रह चुके हैं। दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और जाँच में पुष्टि भी हुई थी। सर्वधर्म संभाव की बात करता है और कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, इनका हर तरीके से चरित्र, आचरण और व्यक्तित्व तीन का तीनों जनता के सामने बड़ा स्पष्ट हो गया है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाले दल और उनके प्रत्याशी आज जनता के सामने। पूर्व इतिहास उठाकर अगर मतदान से पहले यहाँ की जनता सोचेगी तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र मिला है, आज वो शिष्टाचार की बात किस मुंह से कर रहे हैं, ये उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और सभी सम्मानित जनपद के मतदाताओं से मेरा अनुनय, विनय और निवेदन है कि 5 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा, आज एक संघर्षशील नौजवान उनके बीच में है, वो मौका दें, उनके सामने से उनकी समस्याएं दूर होंगी, इसका भरोसा और विश्वास उनको दिलाने के लिए ही उनके बीच में आया हूं। सुल्तानपुर से 944 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।